माधुरी मैम से अवार्ड लेना आसान नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी मिला है और बिजनेस अवार्ड भी मिला है, दोनों। इन दिनों प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का काफी डिमांड बढ़ गया है। पहले बॉलीवुड की फिल्मों में और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया जाता था, लेकिन इन दिनों अब आप झारखंड के साथ साथ हजारीबाग में भी देखेंगे कि शादियों में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। और ऐसी ही एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ आशु है। आपको बता दें कि अभी ये युवा महिला उद्यमी भी है, इनका अपना बिजनेस भी चलता है और साथ में ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। आपसे ही जानेंगे, अभी माधुरी दीक्षित के हाथों आप सम्मानित होकर आई हैं, वो क्षण बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली माधुरी मैम से अवार्ड लेना आसान नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, मैं माधुरी मैम से अवार्ड लेकर आई हूँ। ऑल ओवर झारखंड नहीं बता सकती, बट हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हजारीबाग में किसी ने लिया है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और अच्छा, जो अवार्ड आपको मिला हमने तस्वीर में देखा, वो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपको मिला या फिर वो युवा उद्यमी के तौर पर, एक यंग बिजनेस वुमेन के तौर पर आपको वो मिला? मुझे ये दोनों तौर पे मिला है। ये मुझे मतलब मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी मिला है और बिजनेस अवार्ड भी मिला है, दोनों। अच्छा, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की अगर बात आती है, कहीं ना कहीं उसके लिए कोर्सेज भी होते हैं, हाँ जी, प्रोफेशनल से ही कोर्सेज होते हैं। कहाँ से आपने कोर्स लिया और कितने दिन का ये कोर्स था? मैंने दिल्ली से कोर्स लिया है और ये 3 मंथ्स की कोर्स थी, इंटरनेशनल कोर्स मैंने लिया है। चाहे वो मेकअप हो या हेयर स्टाइलिंग्स, मैंने दोनों की दिल्ली से ही ली है और इंटरनेशनल कोर्सेस। अच्छा, हजारीबाग में अब इसका चलन बढ़ गया, पहले नहीं था। पहले बड़े बड़े शहरों में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से, अगर मेरे ध्यान से देखेंगे तो, अब कोविड पीरियड के बाद जब से इंस्टाग्राम और रील्स का जमाना आया है, लोग जान गए कि ये भी एक कल्चर है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का। तो हजारीबाग में आप एक बिजनेस भी रन कर रही हैं, इससे ही रिलेटेड सलून चलाते हैं आप, तो किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं और क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का वो होता है? प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और ऐसे मेकअप आर्टिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का बात करो, तो वो सभी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल ब्यूटी पार्लर में जाते हो, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट दोनों में डिफरेंस है। अगर आप प्रोफेशनल में जाते हो, तो अगर आपसे 2 पैसे ज़्यादा भी ले रहे हैं, कम भी ले रहे हैं, लेकिन आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी और प्रोडक्ट भी अच्छे प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप वही लोकल या कहीं भी जाते हो, तो चीज़ों में डिफरेंस आ जाती है। वो भी वही पैसे लेते हैं, थोड़े कम लेते हैं, यहाँ थोड़े ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ सर्विसेज में डिफरेंस होते हैं, हर चीज़ में डिफरेंस होते हैं। जानकारी मिलती थी कि एंकर्स जो होते हैं, जिनको मेकअप लगता है, स्किन में प्रॉब्लम होने लगता है कुछ समय के बाद, तो आप लोग भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो, तो क्या वो कितनी सत्यता है इस बात में? एक्चुअली मेकअप के बाद हमारा प्रॉब्लम होना, अगर बाय द वे किसी को मेकअप से एलर्जी है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसे नहीं होगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, सब चीज़ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम वही प्रोडक्ट हम पैसे जैसे अच्छा ले रहे हैं, हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और वो क्लाइंट्स का सेंसिटिव स्किन है या फिर कोई भी टाइप का स्किन है, तो वो वहाँ हार्म करेगी। और वहीं हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो चाहे वो कितना भी मेकअप कर ले, वो स्किन को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगी। फिलहाल कई लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके बच्ची बच्चियां भी जो है इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट में कोई जेंडर का फैक्टर नहीं होता है, कोई भी कर सकते हैं। तो वो कैसे इस फील्ड में आए, क्या किन किन बातों का उनको ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीजें बताएं दर्शकों को। एक्चुअली इस फील्ड में आने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वुमेन है या मैन है, कुछ भी हो, चाहे आप ओल्ड एज के हो, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और बात रहा मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी फील्ड, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेडिकेशंस, मेहनत, यही सब चीज़ें हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप बस मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलिए, अब क्योंकि इंटरव्यू अपने आखिरी पड़ाव पर है, कई लोग आपका वर्क भी देखना चाहते हैं, कुछ फोटोज तो शुरू में लोगों ने देखा, लेकिन आपसे कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें है कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप? मेरा इंस्टा आईडी है आशु प्रिया मुआ के नाम से, वहां से आप मेरा वर्क भी देख सकते हो और वहां से कांटेक्ट भी कर सकते चलिए, तो हमारे साथ आशु थी, जो कि काफी कम उम्र में ना केवल प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन करके कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, बल्कि एक और भी लोगों के लिए एक आइडल बन रही हैं। और साथ में इनको अभी हाल में ही जयपुर में माधुरी दीक्षित के हाथों
महिला उद्यमी, युवा महिला उद्यमी के तौर पर सम्मानित किया गया है। तो आसू जैसे और भी कई बच्चे बच्चियां हैं जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए आसू ने एक मैसेज भी दिया है जो कि आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हजारीबाग से शुरुआत करते हुए दिल्ली का सफर तय किया और अभी हाल में ही इन्हें सम्मानित किया गया है।